तो दोस्तों कौन है आईपीएस अमित लोढ़ा जिनकी लाइफ पर बनी वेब सीरीज खाकी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई आईपीएस अमित लोढ़ा की लाइफ पर आधारित वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर धूम मचा रही है। बिहारी सिंघम के नाम से फेमस सुपर कॉप अमित लोढ़ा ने इस कहानी को अपनी बुक द बिहार डायरीज में भी शामिल किया है। इस वेब सीरीज के रिलीज होने के बाद से ही लोगों के बीच अमित लोढ़ा के जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। आइए जानते हैं कौन है आईपीएस अमित लोढ़ा। आईपीएस अमित लोढ़ा मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जयपुर से की है। अमित लोढ़ा 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अमित लोढ़ा दिल्ली आईआईटी से ग्रेजुएट, उन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी भी क्रैक किया। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि आईआईटी में रहने के दौरान डिप्रेशन के शिकार हो गए थे वो और उन्होंने सुसाइड करने तक का सोच लिया था। आईपीएस अमित लोढ़ा के नाना एक आईएएस अधिकारी थे, इसलिए वह हमेशा अधिकारियों से प्रभावित रहे। उन्हें बिहार में तैनाती मिली, जनता के प्रति उनके व्यवहार ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। अमित लोढ़ा साल 2006 में पहली बार तब चर्चा में आए जब उन्होंने शेखपुर के गब्बर सिंह कहे जाने वाले अशोक महतो और उनके साथी पिंटू महतो को जेल पहुंचाया था। इसके लिए उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अमित लोढ़ा की पत्नी तनु लोढ़ा हाउसवाइफ हैं। एक इंटरव्यू में उन्हें बताया था, सौभाग्य से मेरी पत्नी तनु बहुत ही समझदार हैं। वह देखने में भले ही साधारण और नाजुक हैं, लेकिन वह अंदर से बेहद मजबूत हैं। अमित लोढ़ा की गिनती बिहार के टॉप आईपीएस अफसरों में होती है। वे वर्तमान में आईजी के पद पर तैनात हैं। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक और आंतरिक सुरक्षा पदक से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आईपीएस अमित लोढ़ा जिनकी लाइफ पर बनी वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर इस समय धूम मचा रही है। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो दोस्तों किस किसने इस वेब सीरीज को देखा है और कौन कौन इसे देखने वाला है, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो, तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।